है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कैसे लेटेस्ट वर्जन का जीजी गेम गार्डियन का तुम लोगो एंड नेम चेंज कर सकते हो, एंड उसी के साथ जो दो आइकन होता है गेम गार्डियन का उसको एक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिए। तो पहले एपीके एडिटर चाहिए गेम गार्डियन को एडिट करने के लिए, तो वो मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, तो वैसे डाउनलोड कर लेना। और उसके साथ क्या क्या चाहिए चलो देखते हैं। डिवाइस स्टोरेज मैंने एक फोल्डर में सेव करके रखा है। ये जो दो एप्लीकेशन है, ये एपीके एडिटर प्रो और ये गेम गार्डियन। गेम गार्डियन तो आप डाउनलोड कर लेना, या आप चाहिए तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, या से डाउनलोड कर सकते हो। या फिर गेम गार्डियन अगर लेटेस्ट वर्जन आगे जाकर ये गेम गार्डियन अपडेट भी हो सकता है, तो आप गेम गार्डन की जो वेबसाइट होता है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं उसका भी लिंक नीचे दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट का। तो चलो इन दोनों तो हो गया, अब इनके जो आइकॉन चेंज करूँगा तो उसके लिए दो आइकॉन चाहिए। अगर चाहते हो कि आप एक आइकॉन चाहो जो फ्लोटिंग में होता है और जो नीचे होता है ऐप के, तो उन दोनों का अगर सेम चाहते हो तो एक आइकॉन से काम बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि दो अलग अलग हो, ये एक फ्लोटिंग आइकॉन, ये रहेगा फ्लोटिंग आइकॉन जो फर्स्ट वाला है, और सेकेंड वाला रहेगा ऐप के लिए। तो चलो स्टार्ट एपीके को मॉडिफाई करते हैं। अब तो मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, पहले गेम गार्डन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना होगा एक बार, तो ये ओपन हो रहा है। अब क्या ये इंस्टॉल मांगेगा, तो इंस्टॉल जब तक तो इंस्टॉल नहीं होता तब वेट करना है, क्योंकि ये जो ओल्ड वर्जन गेम गार्डियन है तो इसको इंस्टॉल कर देगा ये, और न्यू अनडिटेक्ट एक गेम गार्डियन पैकेज नेम से इंस्टॉल करेगा वो। तो मैं रूट परमिशन मांग रहा है, इसमें रूट परमिशन नहीं लेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो डिनाई कर देता हूँ। तो इंस्टॉल मांग रहा है एक, आपका रूट परमिशन नहीं मांगा, क्योंकि अगर आपका डिवाइस रूट हो तभी मांगेगा, अगर रूट नहीं है तो रूट परमिशन नहीं मांगा। तो इसको अलाउ कर देना है गूगल प्ले प्रोटेक्ट को। तो चलो इंस्टॉल हो गया, डिनाई। तो अब ये परमिशन मांग रहा है कि जो पहले दो था उनको अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए परमिशन दे देना है इधर, ओके कर देना है। तो ओके हो गया, अब ओके कर देना फिर से। तो ये पहले वाला चीज़ अनइंस्टॉल हो गया, तो अब यहाँ का काम ख़त्म। अब जाना है एपीके एडिटर पे, ओपन करना है एपीके एडिटर। अब यहाँ पे जाके सिलेक्ट एपीके फ्रॉम एपीके दबाना है ये बटन पे। तो इस पर क्लिक करने के बाद वो एपीके ढूंढना है जो जीजी अभी इंस्टॉल हुआ, तो वो जी ये रहा RMLH, इसको टैप करना है और कॉमन एडिट पे जाना है। पहले हम इसका नेम एंड लोगो चेंज करेंगे, फ्लोटिंग आइकन वाला लोगो। तो कॉमन एडिट पे जाने के बाद इधर एक नेम दे देना जो आप दे सक देना चाहते हो, तो मैं दूंगा KWGGKW। तो इसके बाद ये जो आइकन दिख रहा है ऊपर, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक आइकन चूज़ कर लेना है, तो मैं ये जो आइकन है ये फ्लोटिंग के लिए, तो मैं फ्लोटिंग वाला आइकन लगा लेता हूँ उधर। ये रहा फ्लोटिंग वाला आइकन, तो इसको मैंने लगा लिया। अब लगाने के बाद पैकेज नेम इसको छेड़छाड़ नहीं करना, अभी पैकेज नेम अंदर जा कर करना। वर्जन कोड आप कुछ भी दे सकते हो, मैं दे देता हूँ 10,000। वर्जन नेम इसको भी कुछ भी दे सकता हूँ, मैं देता हूँ प्रो, या फिर आप कुछ भी दे सकते हो 2.0 3.0, चलो दे देता हूँ 2.0। और यह जो है इसको दो कर देता हूँ दो। तो हो गया का काम, अब बिल्ड सेव कर देना है। तो बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा कट कर लेता हूँ। तो चलो ये बिल्ड हो गया, अब इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उस पर इंस्टॉल दबा देना है। तो ये जीजी का जो नाम दिख रहा है ये अभी पूरी तरीके से चेंज नहीं हुआ, तो जीजी KW जो ऊपर दिख रहा है, तो अंदर इसको और भी चेंज करना होगा दो जगह पे। तो चलो डन कर देते, इंस्टॉल हो गया। अब फिर से इसको हटा कर APK एडिटर पर जाना है, और सिलेक्ट APK फ्रॉम APK, और फिर से वही APK को कर लेना है। देखो इसका आइकन चेंज हो गया है। अब इसको सिलेक्ट करके
इसका फ़ोटो चेंज करेंगे हम, तो सिंपल एडिट पर क्लिक करना है, इमेजेस पर जाना है और नीचे जितने भी सारे ये जो दिख रहे हैं ये चलो इन सब को रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने के लिए ये जो पेंसिल आइकन दिख रहा है इस पर दबाना है और एक एक करके रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस तो चलो कंप्लीट हो गया। अब नीचे सेव पे दबाना है तो इसको इंस्टॉल कर लेना है। अब तो इंस्टॉल हो गया, अब इंस्टॉल होने के बाद इसको डन कर देना है। डन करने के बाद वही सेम प्रोसेस को हटा के फिर से एपिक एडिटर में जाना है। तब चेंज करके हम इसका फुल नेम एंड इसका जो दो आइकन है उसको एक कर देंगे। चलो दिखाता हूँ, ये एक बार दिखा देता हूँ। देखो इसका ये चेंज हो गया, लेकिन देखो नेम नहीं चेंज हुआ अभी भी। तो इनको चेंज करने के लिए एपिक एडिटर में जाना है। आने के बाद सिलेक्ट एपीके फ्रॉम एपीके, वही सेम प्रोसेस, इसको क्लिक करके अब फुल एडिट पे करना है। ये जो फुल एडिट है इस पे दबाना है, फिर डीकोड ऑल फाइल्स ऊपर वाला एकदम क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद इधर जो फाइल्स है इस पे आना है। तो आने के बाद इधर ये जो रिसर्च फोल्डर दिखा है नहीं, इसमें नहीं, पहले हम इसका पैकेज वो आइकन चेंज कर लेते हैं, दो को एक कर लेते हैं। इधर आना है, तो आने के बाद क्लिक करना है और आने के बाद नीचे आना है। नीचे एकदम नीचे आने के बाद इधर आएगा ये जो दिख रहा है गेम एस डब्ल्यू, यह दिख रहा है एस डब्ल्यू वो डी पी और यह गेम लिखा है। इस गेम को चेंज करके अपना जीजी का नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पाइडर। ये जो इंस्टॉल नेम दिखाएगा, इंस्टॉल होने के बाद जो नेम दिखाएगा गेम गार्डन का वो नेम है इसको, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ स्पाइडर। स्पाइडर दे दिया, बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से टेक्स्ट डालेंगे इस पर। तो स्पाइडर इसको कॉपी करके अब नीचे एक और होगा सेम एच डब्ल्यू नाम से, ये रहा गेम इधर। अब वीडियो को पॉज करके देख सकता हूँ मैं किस डायरेक्शन में हूँ अभी, किस में हूँ। तो यहाँ पे पेस्ट करना है गेम पे, स्पाइडर पेस्ट हो गया। अब इसका नेम तो चेंज हो गया यहाँ उसका, तो चेंज होने के बाद अब क्या करना है, वो जो दूसरा आइकॉन था उसको हटाना। तो उसको हटाने के लिए ये जो इंटेंट दिख रहा है, इंटेंट यहाँ से लेकर ये इंटेंट फिल्टर तक करना है मेन एक्टिविटी। यहाँ से देखिए 48 to 51 लाइन, तो इसको हटाना है। तो हटा दिया, हटाने के बाद इसको सेव कर देना है। तो बैक की प्रेस करके सेव, तो सेव हो गया। अब क्या करना है, रिसोर्स में जाना है और उसके बाद वैल्यूज़ ढूंढना है। वैल्यूज़ अब स्ट्रिंग्स पे, तो स्ट्रिंग पे आने के बाद देखो इधर गेम गार्डन लिखा है, या फिर लिख दे अपना जीजी का नाम, तो जीजी के डब्ल्यू लिख देते हो इधर। और ये जो गेम एच डब्ल्यू है इसको कर देना है स्पाइडर, जो सेकंड में दिया नाम स्पाइडर। मैं आप लोग सोच रहे कि मैं दो नाम क्यों दे रहा हूँ, तो एक नाम है जो ओपन करूँगा एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करूँगा तब ऊपर जो नाम आता है वो दिखाएगा जीजी के डब्ल्यू, लेकिन जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद दिखाएगा कि स्पाइडर। और ये जो 101 है इसको 2.0 कर देता हूँ मैं वर्जन। और ये जो वर्जन चेंज करो ना, इससे मत समझना कि ये 101 2.0 हो गया, लेकिन ये वर्जन सेम ही रहेगा, बस इसका जो शो हो रहा है 101 हो रहा था बस 2 शो हो गया इधर। तो इसको सेव कर देना है, इसको बैक करके सेव। सेव हो गया, अब इसको बिल्ड करना है ऊपर जो सॉरी अभी भी इसका पैकेज नेम चेंज करना बाकी है। तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए जो इसमेली बटन है ऊपर, ये इसमेली इस पर दबाना है। दबाने के बाद कुछ देर वेट करना है, तो इसका जो
डिक्स वाइल है वो डिक्रैप्ट हो गया है। तो ये देखो डिक्स वाइल डिक्रैप्ट हो गया। अब तुम्हें क्या सर्च करना है, ये एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जाना है पहले। जाने के बाद ये जो इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यह सर्च करना है काम डॉट, ये जो उसका पैकेज नेम है इसको सर्च करना है। सर्च करने के बाद बस सर्च कर देना है, और कुछ देर सर्च होकर सर्च करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस करना, कौन सा नेम आप चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काम डॉट स्पाइडर जी काल जी जी डॉट वी आई पी काल जी जी, या फिर कालवेयर डॉट मोड ये कर देता हूँ मैं काम डॉट कालवेयर डॉट मोड। आप चाहो तो ये भी दे सकते हो काम डॉट कालवेयर ओनली, मतलब काम डॉट आपका जो भी रख सकते हो, लेकिन एक काम जो है उसको रखना ही होगा पहले। और यह देख सकते हो कि यह बस ये है, रुको हट जा तो हैंग कर रहा मोबाइल दिखाता हूँ। अरे ये जो देख रहे हो काम डॉट, इसके बाद एक नेम है लेकिन उसके बाद डॉट नहीं है। तो क्या कर सकते हो, अगर आपके पास भी ऐसा शो हो या फिर इसके बाद अगर डॉट रख कर कुछ और हो तो आप ऐसा करो काम डॉट कालवे डॉट मोड विदेश में डालो वैसे। और अगर आपके पास बस काम डॉट ये हो तो इसके जगह तुम बस ये कर दो काम डॉट कालवे में, ये कर देता हूँ बस। क्योंकि तो देखो जीजी में काम के बाद बस एक ही है, उसके बाद डॉट वगैरह कुछ नहीं है। अगर डॉट होता तो मैं भी डॉट देता, उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे देना होगा। तो मैं ये कर देता हूँ, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है, रिप्लेस ऑल करके ओके कर देना है। ओके हो गया। अब बैक बटन दबाना है, दबाने के बाद इधर जो कम है इसके आगे एल लिख देना है, और जो डॉट है डॉट के आगे एक डॉट को रिमूव करके एक स्लैश कर देना है। तो हो गया। अब फिर से सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे वही लिख देना है कम डॉट कालवेयर, लिख दिया। अब जो कम डॉट कालवेयर है इसको भी कर देना है एल, कम के आगे एल कर देना है, और डॉट को हटा के एक स्लैश दे देना है, और रिप्लेस ऑल ओके। तो ये रिप्लेस ऑल हो गया। अब इसको बिल्ड कर देना है, इसका पैकेज नेम सक्सेसफुली चेंज हो गया। तो बिल्ड जब तक नहीं होता था तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद इंस्टॉलिंग करेंगे, उसके बाद दिखाते हैं। साइन हो गया। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये न्यू पैकेज में है तो जो पहले था उसके ऊपर ओवरराइट नहीं हो गई है, इसका पैकेज नेम चेंज हो गया तो अलग से इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इंस्टॉल हो गया। अब इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। देखो इधर नाम दिख रहा है स्पाइडर ऊपर, तो इसको डिनाई कर देता हूँ क्योंकि इधर से लेगा ही नहीं है। एग्जिट कर दिया मैं, हटा देता हूँ सब, और अपना जो मैजिक मैनेजर पास है मैंने ऑलरेडी इसको रूट परमिशन दे देता हूँ मैं। ये मेरे मैजिक मैनेजर ओपन हो गया रूट, ये कालवेयर काम डॉट कालवेयर। तो प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट करना पड़ा था मुझे, तो अब देखा जीजी को दिखा देता हूँ। ये रहा वो जीजी, तो जीजी ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद स्टार्ट कर दिया। देखो इसका आइकन जो है ये चेंज हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में जो वीडियो आएगा वो इसके इस टॉपिक पे आएगा कि इसका बैकग्राउंड जो होता है ओपन करते टाइम ये जो यूआई है इसको कैसे चेंज करें एकदम अच्छे से मॉडिफाई करें इसको। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।